आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट ढोकला जो बहुत जल्दी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन को अच्छी तरह से छान कर लेना है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम के करीब बेसन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप खट्टी दही। जितना दही लिए हैं उतना ही 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा। और अब यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और जस्ट कलर के लिए 1 पिंच हम डालेंगे, 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर डालिए। और अब इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 1/2 घंटे हो गए हैं तब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। और अब यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून और इनो फ्रूट सॉल्ट 1/2 से डालेंगे। अब इन सभी को एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर मिला लीजिए। और अब एक इस तरह का कंटेनर लेंगे, इसमें ऑयल से ग्रीस करके सारे बैटर को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है तो मैंने पहले से ही एक पैन में पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब इसे इसमें रख करके 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। फ्लेम शुरू में हाई रखिएगा, उसके बाद मीडियम कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लीन आया है ये। तो अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और अब यहाँ एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे तो यहाँ पर डालिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टेबलस्पून हम यहाँ पर सरसों डालेंगे। तो सरसों आप कोई सा भी डालिए, मेरे पास पीले वाली थी तो मैं उसे डाल रही हूँ। और यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च काट के डालिए और करी पत्ता। और अब यहाँ पर डालेंगे 3/4 कप पानी। अब यहाँ 2 टेबलस्पून हम डालेंगे चीनी और नमक स्वाद अनुसार और 1/2 नींबू का रस। इन सभी को बढ़िया से मेल्ट होने देना है। और अब यहाँ पर ढोकले को पीसेज में कट कर लेते हैं पहले। और ये लीजिए, इसके ऊपर तड़का डाल दीजिए। बहुत ही मज़ेदार ढोकला है ये। और थोड़ा सा नारियल बुरादा से गार्निश कर दीजिए। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार हुआ है। इंस्टेंट ढोकला तैयार है। एंजॉय।